नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का आज निधन हो गया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी आज निधन हो गया है। वह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे 14 लोगों के दल में शामिल थे और हादसे में एकमात्र जिंदा बचे सैन्य अधिकारी थे और वायुसेना की ओर से उनके निधन की पुष्टि हो गई है। भारतीय वायुसेना ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि ग्रुप कैप्टन का इलाज के दौरान आज निधन हो गया है। वह 8 दिसंबर 2021 को हुए हादसे में अकेले जिंदा बचे थे। देवरिया जिले के रुद्रपुर के ग्राम कनहौली गांव यह गांव है शहीद कैप्टन वरुण सिंह का पैतृक गांव। कैप्टन वरुण सिंह एक हफ्ते पूर्व तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित अफसर बचे थे, जो 8 दिनों से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। जी, अभी अभी सूचना हम लोगों को मिली है कि वो शहीद हो गए और हम लोग बड़ा पूजा अर्चना कर रहे थे कि वो स्वस्थ हो जाए। पूरा गांव पूजा अर्चना में लगा था, तमाम पूजा किया गया, लेकिन आज अभी सूचना मिली हम लोगों को, जिससे हम लोग पूरा गांव एकदम दुखी, हम लोग रो रहे हैं उनके लिए और हम लोग अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि क्या दशा हम लोगों के ऊपर गुजर रही है और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। पूरा गांव दुखी है, पूरा जवार दुखी है, पूरा जिला दुखी है। इसका नाम क्या है? राम प्रताप सिंह मेरा नाम है, क्या लगते हैं आपके? हम चचा लगते हैं उनके। अब कहा क्या आ जाए, एक हफ्ते लड़ा, आशा तो थी कि बच जाएगा, लेकिन अभी वहाँ बात हुई, क्या बात हुई वहाँ से आपकी? अभी 1 घंटे बाद क्लियर होगी। क्या बताएं लोग? अभी हॉस्पिटल में है बाड़ी, वहाँ से ले जाएंगे, एयरफोर्स ऑफिस ले जाएंगे लोग, वहाँ उनका व्यवस्था है अपना हिसाब से। कल 1 घंटे बाद क्लियर होगी कि आ जाएंगे कल आएंगे। क्या नाम है आपका? राजीव सिंह। हम उस लड़के के चाचा लगेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।